हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। चलो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का टॉपिक। फ्रेश टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। पीछे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों को कूलम्स लॉ पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दिया, डाइपोल पढ़ा दिया, टॉर्क पढ़ा दिया। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। एक बात और, आज की वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। फ्रेश टॉपिक है, चीजें अच्छी मिलेंगी, ठीक है? तो खैर, अच्छी चीजें तो सब में होती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलेंगे। तो लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। गॉस थ्योरम का टॉपिक पढ़ना है, उससे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, वहां तक निकल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। एरिया 11 तक हम ये पढ़ते रहे कि एरिया की स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैग्नीट्यूड होता था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आपने एरिया की एक डायरेक्शन भी दे दी, वो एरिया की डायरेक्शन क्या दी? हमेशा उसके सरफेस के नॉर्मल। जैसे सपोज करो ये वही सरफेस है, तो इसके नॉर्मल ये आपका एरिया वेक्टर बना। इसी तरीके से ये कोई सरफेस है, तो इसके नॉर्मल ये आपका एरिया वेक्टर बना। बिल्कुल ध्यान से समझना, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सपोज करो ये कोई सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर ये देंगे नॉर्मली। उसी सरफेस को अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसका एरिया वेक्टर ये देंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास ये मोबाइल फोन है, ये फोन है, ठीक है, ये तो मैं कह दूं ये सरफेस ऐसी है, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर दी जाएगी? ऊपर की तरफ। अब ये ऐसे सरफेस हो जाए तो कैसे दी जाएगी? ऐसे दी जाएगी। बट समझ आ रहा है ना, सरफेस के हमेशा नॉर्मली बाहर की तरफ जो डायरेक्शन दी जाती है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दी जाती है। तो एरिया में अभी तक क्या था? मैग्नीट्यूड था। अब क्या आ गई आपके पास? डायरेक्शन भी आ गई। तो एरिया कैसी क्वांटिटी बन गया? वेक्टर क्वांटिटी बन गया। तो एरिया वेक्टर यही चीज होती है। बात समझ आ गई कि इसमें दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन किस वजह से दी जाती है? हमेशा सरफेस के अपवर्ड, तो उसको हम कहेंगे एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छी चीज थी, बात समझ आ गई। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस दे के समझना, मेन कंसंट्रेशन के साथ समझना। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो होना किसी भी चीज का। एकदम इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लो होना। तो क्या फ्लो हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब फ्लो हो रही होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। मैं बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब फ्लो हो रही होती हैं तो क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब इसको मीजर कैसे करते हो भाई? कहां मीजर करोगे? मैंने सोचा कि ये देखो ये फील्ड लाइन जा रही थी, जा रही है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्या। अब इसमें मैंने कोई सरफेस एरिया रख दिया कि यहां मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीजर करना है, तो मैथमेटिकली इट इज वॉट? किसी भी सरफेस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उससे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती हैं, उनके टोटल नंबर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। दोबारा समझो, किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अब जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उससे कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो जितनी भी उस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, उन टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दो। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इट मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस व्हिच इज हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास निकल के आ गई, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के? बिल्कुल कह सकता हूं। जितनी ज्यादा सरफेस से फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा, जितनी कम फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ही कम फ्लक्स बनेगा। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई, और चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ई लगा सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया। मैथमेटिकली सपोज करो इसका एरिया है डीएस या ए, ए मान लो सिंपल, तो मैं फाई निकालूंगा मैथमेटिकली ई इंटू ए। अभी मैं केवल बेसिक बात कर रहा हूं, फाई क्या निकालूंगा? ई इंटू ए। अच्छा, ये कब की बात है? ये तब की बात है जब सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है। अब मान लो इसी सरफेस में फील्ड लाइंस थोड़े से एंगल के साथ आ जाएं, एंगल के साथ आ गए, ये एरिया वेक्टर का एंगल बन गया थीटा,
ये एरिया वेक्टर ए बन गया, ये फील्ड लाइंस थी। तो अब क्या इस ई के दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, थीटा से लगा वाला कॉस होता है, तो यहाँ पे देखो ये कॉस जाने लग जाएगा, यहाँ पे साइन आने लग जाएगा, तो हमें फ्लक्स क्या मिलेगा, हमें फ्लक्स मिलेगा ई कॉस थीटा इंटू ए, तो फाई ई इक्वल मुझे मिल गया ई ए कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा क्या होता है ए डॉट बी, तो फाई मिल गया ई डॉट ए। वेक्टर टर्म में अगर आप फाई निकालते हो तो वो आपको सीधा सीधा ई डॉट ए मिल जाता है, ई ए कॉस थीटा। अच्छा अब ये अगर डॉट प्रोडक्ट आया तो मुझे ये लग गया पक्का फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, ये तो देसी भाषा रटने का जुगाड़ था। फ्लक्स क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यार किसी चीज का फ्लो होना चाहे जिधर फ्लो हो जाओ। जैसे मैंने बहुत ही पहले मुझे किसी ने मेरे गांव में बताया था कि पानी अंधा होता है, जहां से मिलता उसे उधर से घूमने लगता है, बिल्कुल सच बात है ये। पानी आप डालो उसको जहां से रास्ता मिलता वहां से निकलना शुरू हो जाता है, फ्लो ऑफ वाटर तो फ्लो है, इट इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन, सो इट विल बी स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा लिख देता हूं मैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट ऑफ फ्लक्स अगर मैं निकालने जाऊं तो मैं यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलाम, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। अच्छी चीज है, इसकी यूनिट भी आ गई आपके पास, एक डिवाइड यूनिट भी पड़ी थी, छोड़ो उसको छोड़ो, तो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ फ्लक्स भी निकाल लेते हैं, इलेवंथ की बात है। तो देखो डायमेंशन ऑफ फ्लक्स जब आप निकालोगे तो न्यूटन मतलब क्या है, फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन मैंने क्या लिखी, एम एल टी की पावर माइनस टू। कूलाम मतलब क्या है, चार्ज, चार्ज क्यू इक्वल क्या होता है आई टी, आई की डायमेंशन ए और टी की टी। ऊपर है एरिया मतलब मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, सॉल्व कर लो इसको, एम एल क्यूब टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर, तो आपको बेटा ये आपको डायमेंशन पढ़नी है, तो ये आपको क्या मिल गई, डायमेंशन मिल गई, बात समझ आ रही है, गुड। तो डायमेंशन ऑफ फ्लक्स निकाल लिया आपने, यूनिट ऑफ फ्लक्स निकाल ली, ये भी बता दिया कि फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे थीटा को लेके कंफ्यूज मत होना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। फ्लक्स यहाँ पे मैं केवल इतना डिस्कस करूंगा, इससे ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ लिया, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस व्हिच इज हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई अगर बातें समझ आया करें तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। अच्छा एक वर्ड पढ़ेंगे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी 3D सरफेस, पहली बार में ही चीज को एकदम क्लियर समझ लेना, ऐसा इमेजिनरी 3D सरफेस जिसमें किसी भी वेक्टर फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। दोबारा समझो, सब मेरे साथ बोलोगे, ऐसा इमेजिनरी 3D सरफेस, 2D नहीं बोला मैंने, 3D बोला है, समझने की कोशिश करो। एक ऐसा इमेजिनरी 3D सरफेस, 3D बोले तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, ये सारे 3D। तो ऐसा 3D सरफेस जिसमें किसी भी वेक्टर फील्ड बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड सारी वेक्टर होती हैं, पीछे बता चुका हूं, उनका फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फ्लक्स निकालना होगा तो गॉसियन सरफेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसके एग्जांपल में क्या लिख सकता हूं, सर क्यूब लिख दो, क्यूबॉइड लिख दो, सिलेंडर लिख दो, लिखते चले जाओ भाई, स्फीयर लिख दो, कुछ भी लिख दो, ETC। ETC मतलब समझते हो, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, सोचना बंद, ETC लगा दिया। जब तक एग्जांपल आते रहते हैं तब तक बच्चे लिखते जाते हैं, जहां एग्जांपल आने बंद हो ETC लगा जाते हैं। एक बार मैं कॉपी चेक कर रहा था, उसमें एक बच्चे ने एक एग्जांपल के बाद ETC लिख दिया, मैंने उससे पूछा भाई ऐसा क्यों, कह रहा सर एक के बाद आने बंद हो गया था। खैर गॉसियन सरफेस क्या होता है, ऐसा इमेजिनरी 3D सरफेस
जिसमें किसी भी वेक्टर फील्ड का क्या कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपने एरिया वेक्टर पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया, गॉसियन सरफेस पढ़ लिया, छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ लिया, आते हैं गॉस थ्योरम। रट्टा लगा लो बेटा, गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट, इसके एप्लीकेशन जरूर पूछे जाते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या है, मुझे जो लगता है, बेसिकली मैं अपनी बात बताऊं, मुझे ऐसा लगा करता है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, हम लोग जुगाड़ पानी लगा के इसको ले सकते हैं। लेकिन गॉस थ्योरम होती क्या है, किसी भी क्लोज्ड लूप में मान लो आपने कोई चार्ज रख दिया प्लस की, चाहे सी बात है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द सरफेस, बात को समझना, आर डिस्टेंस कैसा भी क्लोज लूप हो सकता है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इसका देखो एरिया वेक्टर भी होगा, तो किसी भी क्लोज्ड लूप का जो नेट फ्लक्स होगा फाई, किसी भी क्लोज्ड लूप का नेट फ्लक्स होगा, आपने क्या पढ़ा है, ई डॉट ए। अब यहां पे मैंने ये लगाया, इट इज वॉट, डरना मत, साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बीच में गोला लग गया है, गोले का मतलब जानते हो क्या है, क्लोज्ड लूप का इंटीग्रेशन। ये कई बार मैं देखता हूं बच्चों पूछते सब ये क्या था, ये है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड लूप। तो किसी भी क्लोज्ड लूप का टोटल मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। स्टेटमेंट रटो मेरे साथ, रटो, किसी भी क्लोज्ड लूप का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें मौजूद नेट चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होता है। प्रूफ करते हैं इसको, तो प्रूफ देते हैं, मान लो यही एक सरफेस है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगी, वी हैव भी लिख देते, चलो थोड़ी सी इंग्लिश मेंटेन करते हैं, वी हैव ई क्या आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये मैं नहीं कह रहा। तो नाउ फ्लक्स हमने पढ़ा ई डॉट ए, साफ साफ देखो ई और ए के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, सर जीरो का बन रहा है, जीरो का बन रहा है। तो अच्छा, अगर एंगल बन जाएगा तो यार रटना मत, ये अगर और एंगल बन गया तो क्या करेंगे उस सिचुएशन, फिर हम सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से डिराइव कर देते हैं। तो ई ए कॉस जीरो, ई ए कॉस जीरो को मैं लिख सकता हूं ई इंटू ए, ये आ गया आपके पास फाई ई। तो फाई ई आ सकता है ई इंटीग्रेशन ऑफ ए, ई की वैल्यू पुट करो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एरिया क्या है हमारे पास, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो ये क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट चीज है, बात को समझ के रखना, फाई इक्वल क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको निकाला कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, एरिया लिया 4 पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अच्छा, अगर नोट पॉइंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इफ सेवरल चार्जेस आर गिवन, बहुत सारे चार्ज अगर दे दिए जाए सरफेस के अंदर, तो आप गॉस थ्योरम से फ्लक्स कैसे निकालोगे, मैं क्या करूंगा, जितने भी चार्जेस होंगे सबको ऐड कर दूंगा। तो क्या मैं बता सकता हूं कि ये लिखा हुआ है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सर, बिल्कुल लिखा हुआ है, फाई ई इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, दूसरा नोट पॉइंट क्या है, अगर रिलेटिव परमिटिविटी दे दी जाए तब क्या करते हो आप, ये कॉन्सेप्ट कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या जाता है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इक्वल क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। जैसे मान लो कोई कह दे कि आपका फ्लक्स है 10 और रिलेटिव परमिटिविटी 5 दे दी, उसके अंदर रख दिया तुमने सरफेस, अब फ्लक्स बताओ, तो 10/5
सीधा सीधा 10/5 आप सीधे सीधे आंसर दे दोगे। तो बेटा बताओ गॉस थ्योरम समझ आई? गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट एक बार और जल्दी से पढ़ लेते हैं। किसी भी क्लोज लूप के अंदर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होता है। पाई इक्वल ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिया हमने ई इक्वल 1/4 π/r² लिया, ई डॉट ए लिया, ई इक्वल 0 लिया, वैल्यू पुट करी, आपके पास सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारी गॉस थ्योरम भाई। तो अब तक हमने क्या पढ़ा बेटा? एरिया वेक्टर पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, गॉस थ्योरम पढ़ा। अच्छा, फ्लक्स हमारे पास आ गया q/ε0, q/ε0 आ गया, अच्छी चीज है। अब मैंने ये बोला कि मान लो गॉसियन सरफेस की रेडियस को मैं डबल करूं तो क्या फ्लक्स में कुछ चेंज आएगा? सोचो एक नंबर क्वेश्चन, अगर गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल कर दिया जाए, आर को 2r कर दो, तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा? कई सारे सोचेंगे सर ई डॉट ds लगाओ, लेकिन मत सोचो, फ्लक्स इक्वल होता है q/ε0। आर पे इंडिपेंडेंट है भाई, चुपचाप रख लो अपनी जेब में। तो अगर आर पे इंडिपेंडेंट है तो रेडियस चाहे डबल करो चाहे ट्रिपल करो चाहे आधी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना फर्क नहीं पड़ता, उसके पीछे का डेड डैश लगा लेना। तो आर इक्वल अगर 2r है तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स इंडिपेंडेंट है गॉसियन सरफेस पे। मतलब क्या हुआ? फ्लक्स में नो चेंज आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन था लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन था। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, सबसे पहला लेते हैं डिडक्शन ऑफ कूलाम्स लॉ। ये एप्लीकेशन ना मान के तुम बेसिक ऐसे क्वेश्चन, चलो एप्लीकेशन दे दिया आपने, डिडक्शन ऑफ कूलाम्स लॉ करते हैं। मीन कूलाम्स लॉ को हम डिड्यूस करेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से। बिल्कुल पिछले डायग्राम की तरीके समझो, मान लिया यहाँ पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अच्छा लगा। आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, एरिया लगा, ठीक है। वी नो दैट, बड़ी गंदी लैंग्वेज है ये, मास्टर के अलावा पता ही नहीं है बच्चा क्या लिखेगा, कोई बात नहीं। पाई इक्वल ई डॉट ए, ई डॉट ए मतलब वही पीछे वाला टर्म, एंगल कितने का बन रहा है दोनों के बीच में? जीरो का बन रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ई इंटू ए। ये हमारे पास आ गया ई इंटीग्रेशन ऑफ ए, इसको मैं लिखूंगा ई 4πr² फ्लक्स। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई इक्वल क्या होता है? q/ε0 होता है। अगर फाई इक्वल q/ε0 होता है तो इन दोनों को कंपेयर करो। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड e इंटू 4πr² इज इक्वल टू आ जाएगा q/ε0। तो e इक्वल आ जाएगा q/4πε0 × r². ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, मैं तो फोर्स चाहिए ना। मान लो यहां पे क्यू नॉट चार्ज है, तो नाउ एफ इक्वल क्या होता है? क्यू क्यू नॉट इंटू ई, अरे इक्वल एफ बाई क्यू नॉट से, तो एफ इक्वल आ जाएगा क्यू नॉट और ई की वैल्यू q/4πε0 × r². देखना क्या कूलाम्स लॉ की रिक्वायर्ड कंडीशन है क्या, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कूलाम्स लॉ है? हाँ जी सर, बिल्कुल है। तो ये कूलाम्स लॉ की रिक्वायर्ड कंडीशन में करना क्या था आपको? आपको सबसे पहले e निकाल लिया हमने गॉस थ्योरम और फ्लक्स की डेफिनेशन लगा के। e निकालने के बाद हमने सीधा f इक्वल क्यू नॉट e किया, जिसकी वजह से हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला मिल गया। नोट करो बच्चों इसको जल्दी से फटाफट एक लाइन में। अब हमें प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ने हैं। तो अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम यहां से कंप्लीट करता हूं तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में कई सारे वायर के लिए निकालूंगा, मैं शीट के लिए निकालूंगा, सेल के लिए निकालूंगा और स्पेयर के लिए निकालूंगा। मोटे मोटे चार एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं।
वायर के लिए, शीट के लिए, सेल के लिए, स्पेयर के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, दूसरा एप्लीकेशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड थिन वायर, स्ट्रेट वायर लिख लो, स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छा डेरिवेशन है, इसलिए एक एक चीज इसकी समझ के रखना। मान लो ये हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, बन जाया करो भाई एक बार में, जरूरी है बेइज्जती करवानी, चलो बनाते हैं। ये देखो पॉजिटिव चार्ज आपने लगा दिया, ठीक। अच्छा ये वायर कैसा है, वायर है सिलेंड्रिकल, तो गॉसियन सरफेस कौन सा बनाओगे, सिलेंड्रिकल। तो मान लो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस पे ड्रॉ कर दिया, बना दिया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है भाई। अब इसके तीन सरफेस निकले, एक ये ऊपर, एक ये नीचे, एक ये बीच में। मैं यहां पे तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन मार्क करूंगा बेटा, बस मेन यही चीज है। आपको इन तीनों पे क्या क्या मार्क करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन मार्क करना है। तो मैंने यहां पे सबसे पहले ऊपर मार्क करने की कोशिश की, एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, कोई नहीं बोलेगा भाई एक कैप, ये तो बुझा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई, यहां पे आओ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, यहां पे आओ एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। अरे यार डायग्राम बड़ा बढ़िया लगा लगना, चलो। अच्छा अब बेटा तीन सरफेसेस बने, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस। मान लो एल लेंथ का गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो फॉर इसके लिए मान लो फ्लक्स वन बन जाएगा, इसके लिए फ्लक्स टू बन जाएगा, इसके लिए फ्लक्स थ्री बन जाएगा। बहुत ही डायरेक्ट मैं यूज करता हूं, तो फाइव वन फाइव थ्री ई डॉट ए हमने यूज किया, तो ई ए कॉस 90 बना। ये मैं नहीं कह रहा बेटा, डायग्राम कह रहा है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल लो कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है ना, कॉस 90 कितने होती है, जीरो। तो फाइव वन फाइव थ्री कितना आ गया, जीरो आ गया, फाइव वन फाइव थ्री जीरो आ गया। अब हमें केवल ये बचा, अब देखो ऊपर का एरिया खत्म, नीचे का एरिया खत्म, क्या बचा, सी एस ए बचा, कर्व सरफेस एरिया, टी एस ए नहीं बचा, टोटल नहीं बचा, केवल कर्व बचा। तो अगर कर्व बचा तो फाइव टू ले लो, ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस जीरो, तो फाइव टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन लगा लो भाई, डर जाओगे, ई ए आ गया, ई एरिया फाइव टू, एरिया सी एस ए ऑफ सिलेंडर बता दो, टू पाई आर एच होता है, अरे वाह मैथ आती है मुझे। टोटल फ्लक्स निकालूंगा मैं, टोटल फ्लक्स फाइव ई निकालूंगा, फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री, फाइव वन कितना जीरो, फाइव टू कितना ई इंटू टू पाई आर एल, फाइव थ्री कितना जीरो, तो फाइव ई कितना आ गया हमारे पास, ई टू पाई आर एल आ गया। इक्वेशन नंबर वन, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi e इक्वल क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड e इंटू टू पाई आर एल इक्वल आ गया q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो e इक्वल क्या आ गया आपके पास, q अपॉन टू पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। कहानी समझो, जगह कहाँ है भाई, ये है जगह, कोने पे लिख दूंगा, चलो लिख देता हूं,
क्यू अपॉन एल क्या पढ़ा था? अरे बता दो, फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा था आपने? लैम्डा। तो क्यू अपॉन एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा। तो ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करो, चलो इसको यहां पे लाता हूं मैं घुमा के। फॉर्मूला तो ड्राइव हो गया, लेकिन इतने में जुगाड़ और समझ लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या कह सकते हो तुम? k, k कह सकते हो ना। तो 2 k लैम्डा अपॉन k का मतलब 9 × 10⁻¹। जल्दी समझो फटाफट। एक स्ट्रेट वायर लिया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, तो इस वायर के हिसाब से गॉसियन सरफेस क्या ड्रॉ होगा? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ हुआ, तो ऊपर हमने एक देखा, नीचे देखा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मार्क करी। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप पे और नीचे 0-0 थे, बीच में मतलब यहाँ पे 90 यहाँ पे 90, तो इसका फ्लक्स खत्म इसका फ्लक्स खत्म, बीच का फ्लक्स बचा वो निकाल लिया 2πRL। तीनों फ्लक्स ऐड कर दिया 0 प्लस 2πRL इनटू e प्लस 0, तो पाई e आ गया e इनटू 2πRL। गॉस थ्योरम लगाया q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो e इक्वल आ गया q अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नॉट। q बाय l हमने ले लिया लैम्डा, तो e इक्वल आ गया लैम्डा अपॉन 2πε इनटू r। यहां से देखा तो e इक्वल 2k लैम्डा बाय r आ गया। बहुत बढ़िया, समझ आ गया। अच्छा, इसको और अच्छे से अगर मैं क्लियर करूं, अब तो सब कुछ समझ ही आ गया है। इन वेक्टर फॉर्म ई वेक्टर हमारे पास क्या जाएगा? 2k लैम्डा अपॉन r इनटू r कैप। अच्छा, ग्राफ बनाते हैं। ये क्वेश्चन मिला था मुझे एक बार, ग्राफ e वर्सेस r। तो देखो e और r एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो बेटा ये ग्राफ आता चला जाएगा, सही है? इसमें क्या सोचना, समझना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस तरीके का एक ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, आपने एक एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड थिन स्ट्रेट वायर हो सकता है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर कह सकता है, कुछ भी कह देगा, तो आपको यही फॉर्मूला डिराइव करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे शीट के लिए कि शीट का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो जल्दी से हेडिंग डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट या ड्यू टू थिन चार्ज्ड शीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्लास चल रही है आज की। गॉस थ्योरम अच्छे अच्छे बच्चों को जल्दी समझ नहीं आती। ये मान लो एक शीट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट हमने बना दिया, ठीक है, ये हमने एक पॉजिटिवली चार्ज शीट बना दिया। तो अब हम इसमें करेंगे, हमें गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो किसी भी फील्ड का फ्लक्स कैसे निकालते हो आप? कैसे कैसे कैसे? गॉस थ्योरम ना, गॉसियन सरफेस लगा के। तो गॉसियन सरफेस ये देखो हमने बना दिया, बना दिया गॉसियन सरफेस, ठीक है भाई, बना दो। अब अगर ये गॉसियन सरफेस हमने बनाया बहुत ही एक कहो तो एकदम पोलाइट वे पे काम कर दू, देखो ई इधर जाएगा, एरिया भी इधर आएगा, इसका ई इधर आएगा, एरिया भी इधर आएगा, लगाओ भाई, इस साइड से फाई वन मिला, इस साइड से फाई टू मिला, दोनों जोड़ दो, खेल खत्म। इसके फ्लक्स को मैं फाई वन कह दूंगा, इसके फ्लक्स को फाई टू कह दूंगा, तो फाई वन इक्वल फाई टू मैं यही कहूंगा कि ये E डॉट ds या E डॉट a था, मतलब E a, क्योंकि डॉट E और a के बीच में एंगल कितने का है बेटा? जीरो का है। तो फाई वन फाई टू हमारे पास E इंटीग्रेशन ऑफ a आ गया, ठीक है। टोटल फ्लक्स निकाल लो, टोटल फ्लक्स मैं ये कहूंगा फाई वन प्लस फाई टू, मतलब टू ई ए, ये मिला मुझे फाई ए। अब मैं कहूंगा भैया गॉस थ्योरम लगाओ, तो अकॉर्डिंग टू
गॉस थ्योरम पाई इक्वल क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टू ई इंटीग्रेशन ऑफ ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा. तो ई क्या मिलेगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए. क्यू बाई ए क्या होता है अरे बता दो क्या होता है सर इसको आपने पढ़ाया था सिग्मा सरफेस चार्जेस. ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर वन में था. तो ई इक्वल हमारे पास क्या आ गया बेटा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. तो शीट के लिए आपको क्या मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है इसको नोट करो बेटा जल्दी से. इसके लिए फाइव वन इसके लिए फाइव टू एड करके सीधा सीधा आंसर ले आते हैं. नोट करो बेटा जल्दी से. ठीक है तो E इक्वल सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. अब हमारे पास देखो हमने वायर का कर लिया शीट का कर लिया अब करेंगे कंडक्टिंग शेल का. तो आज मैं केवल जो एनसीईआरटी में है गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन वो कंप्लीट कराऊंगा आपको. गॉस थ्योरम का एक लेक्चर और दूंगा जिसमें जो कॉम्पिटिटिव गॉस थ्योरम और मेन मेन क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं क्यूब में फ्लक्स कैसे निकलता है और मेन किस तरीके से डेरिवेशन आप ले जाते हो वो चीजें कंप्लीट करूंगा. तो आज की क्लास में अभी सेल का और स्फीयर का तो मेन डेरिवेशन की क्लास कंप्लीट हो जाएगी. तो इस क्लास को जरूर पढ़ना अच्छे से पढ़ना कई बार इसके प्रैक्टिस करना जिससे तुम इसके डेरिवेशन कंप्लीट कर सको. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग शेल. कंडक्टिंग शेल के लिए चाहिए तो शेल हमारे पास ये है. सपोज करो सेंटर पे तुमने चार्ज रखा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाहर ये तो भागते हुए जाता तुमको पता ही है. यहां पे हम तीन जगह निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर सरफेस पे अंदर. तो मान ले पी पॉइंट सबसे पहले बाहर है रेडियस इसकी आर मान लो इस पी पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल आर मान लो. यहां जब निकालने की बात आएगी तो मैं बात करूंगा. इस बात को लिख लो कहीं पे लेट अ कंडक्टिंग शेल कैपिटल हैविंग रेडियस कैपिटल आर अ प्लस क्यू चार्ज इज गिवन एट इट्स सेंटर विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस. तो हमें कहां पे चाहिए हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. हो गया क्वेश्चन. We have, हम सबसे पहले कहां पे ले रहे हैं एट आउटर पॉइंट. ठीक है आउटर पॉइंट पे चाहिए मतलब बाहर चाहिए आउटसाइड चाहिए. आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसका इन्फ्लुएंस तो कुछ ना कुछ जाएगा. फ्लक्स या डायरेक्टली तुम वी हैव फाई इक्वल ई डॉट ए इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन लिखते हैं मैंने डायरेक्ट लो चाओ बवाल खत्म. तो E इंटीग्रेशन A Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बना तो E A का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर. मजे आ गए भी बाहर. अच्छा एट सरफेस सरफेस पे देखो जब ये P पॉइंट सरफेस पे आया होगा तो क्या ये स्मॉलर आर हमारा कैपिटल आर के बराबर हो गया होगा. अरे इसमें समझाना क्या था सर ये तो हो ही गया होगा ये वाला सर्कल यहाँ आ गया तो स्मॉलर आर रेडियस जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो गई. तो स्मॉलर आर हमारा किसके इक्वल हो गया कैपिटल आर के. तो E इक्वल क्या आ गया क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर. अच्छा इनसाइड की अगर मैं बात करूं तो इनसाइड चार्ज कितना है जीरो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी जीरो. तीनों बातों को यहां पे दोबारा समझो. आउटसाइड E इक्वल हमने क्या लिया Q
सरफेस पे क्या लिया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r स्क्वायर, यहां पे r हमारी रेडियस है, इनसाइड पे क्या लिया 0। तो एक चीज मैं देखता हूं, एक नंबर का ये वन मार्क अच्छा क्वेश्चन आता है, डिराइव भी कराता हूं तो ग्राफ बनवाता है, ग्राफ ऑफ e वर्सेस डिस्टेंस या r। देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, यहां से लेके यहां 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 तक 0 हुई है, जाके सरफेस पे बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, यहां पे मैं ये देख पाता हूं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और कहां तक 0 है, जब तक ये r आपका r नहीं हो गया सरफेस पे। सरफेस पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है मैक्सिमम, क्योंकि इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r स्क्वायर इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल r स्क्वायर, स्मॉलर r बड़ा है कैपिटल r छोटा है, डेनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी होगी, यहां पे ये वैल्यू बड़ी है तो वैल्यू छोटी होगी। जैसे ही ये सरफेस के बाहर गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ऐसे, e प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर। तो कांसेप्ट को समझो, ग्राफ केवल इतना बनना चाहिए मेरे हिसाब से, भाई यहां से लेके यहां तक पे वैल्यू 0 ही थी, बढ़िया कहानी है, एक एक चीज समझ आएगी। तो कंडक्टिंग शेल का बटन नोट करो फटाफट, ठीक, कंडक्टिंग शेल का नोट कर लिया। अब हमें कंप्लीट करना है स्फीयर का, तो चार्ज स्फीयर का आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 की जगह पे ये वैल्यू लिख दी जाएगी जो आर आएगा। देखो अगर मैं कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूंगा तो इसी में चेंज करता हूं, मान लो डायग्राम यही है, ये डायग्राम है तो ये चीज आ जाएगी, 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 ठीक है। यहां पे यहां से वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि स्फीयर है तो अंदर भी कुछ ना कुछ होगा, तो मान लो ये भी डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस r है तो यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ पे e equal q upon 4 pi epsilon naught into r square हो जाएगा, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में आप कंसीडर कर लोगे, सब कुछ वही रहेगा, इसमें इनसाइड 0 नहीं रहता। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, इसके सारे एप्लीकेशन केवल डेरिवेशन, इसकी एक क्लास में और अपलोड करूंगा नेक्स्ट क्लास, उस क्लास में इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होंगे और क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना, थैंक यू बेटा।